बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने वीवर्स के लिए पोटैटो स्नैक्स कितनी सिंपल सी और इजी सी और झटपट में बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे 5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, अफ्तारी के टाइम पर यूज़ करें और टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे। तो हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज लेकर आऊँ जो वो कम टाइम में, कम बजट में और आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर एक अदद बड़े साइज़ का मैंने उबला हुआ मैश्ड पोटैटो ले लिया है। इसमें 2 चम्मच हम मैदा ऐड करेंगे। इसके बाद 2 चम्मच ही हम बेसन ऐड कर देंगे। हमारा मटेरियल थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 स्पून के करीब और 1/2 स्पून के करीब ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो बैटर है, मटेरियल है, वो हाथों के साथ ना चिपके। हमारा मटेरियल थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये हाथों के साथ चिपकेगा। अगर हाथों के साथ ज़्यादा चिपके, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा सा इसमें मैदा या बेसन दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब कटिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल अप्लाई करूँगी ताकि हमारा जो मटेरियल है, जब हम इसको शेप दें तो इसके साथ ना चिपके। आज के स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। अब सारे मटेरियल का एक पेड़ा सा बना लेंगे और इसके ऊपर हमने रख देना है और इसको रोल कर लें। अगर मटेरियल हाथों के साथ चिपके तो आप थोड़ा सा हाथों पर ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं, इस तरह से रोल कर लें। इस तरह से एक ही बार रोल करने पे आपके ढेर सारे स्नैक्स झटपट से रेडी हो जाएंगे। कोई भी चीज़ ले लें जिससे आपने शेप देनी है, तो इस तरह से फटाफट से आप इसके ज़्यादा सारे स्नैक्स रेडी कर लें। बस ये अब हमने करना क्या है, इनको जस्ट हमने फ्राई कर लेना है। गरम गरम ऑयल ले लें, इसको लो टू मीडियम आँच पर गोल्डन फ्राई कर लें दोनों साइड्स पर। इन स्नैक्स की खास बात यह है कि इसके अंदर ऑयल ज़रा भी नहीं जाएगा और अंदर से पक भी जाएंगे, ज़रा भी कच्चे नहीं रहेंगे। बाकी जो इसके साइड्स बची थी उसको भी हमने इस तरह से दोबारा से रोल करके फ्राई कर लेना है। देखिए झटपट में इतने मज़ेदार से फटाफट से रेडी हो चुके हैं सारे स्नैक्स, तो इसको आप लाजमी मेरी रेसिपी को ट्राई करें। तो मेरे व्यूअर्स बताएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छे से कमेंट्स भी करें। और आज की मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।